सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एडिटिव चैनल फार्मला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम अपनी इस आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को नॉर्मल ऑफलाइन बीटेक डिग्री से ऊपर रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये डाउट हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता ही आता है जब वो नया नया इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर जब वो किसी भी स्टेज पे होते हैं लाइक फाउंडेशन, डिप्लोमा, डिग्री। तो ये डाउट कभी ना कभी हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में आता ही आता है कि क्या हमारी ये बीएस डिग्री बीटेक डिग्री के कंपैरिजन में है भी या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी बीएस डिग्री और बीटेक डिग्री की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार आप वो देख लीजिएगा, वरना अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर भी सिमिलर उसी वीडियो जैसी ही हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री ओवर बीटेक, यस और नो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली हम बात अगर करेंगे अपनी बीटेक डिग्री की, तो यहाँ पे दो केसेस पहले बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो केसेस कुछ बनाए हैं, केस वन और यहाँ पे हमारा है केस टू। तो आइए मैं दोनों केसेस को पहले एक एक करके आपको समझाता हूँ और एट लास्ट आप खुद एक आउटकम पे पहुँचेंगे कि मुझे ये डिग्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ओके, तो चलिए केस वन की अगर हम बात करते हैं, तो केस वन में वो स्टूडेंट्स होते हैं, केस वन है आपका पहला पॉइंट, द कॉलेज यू आर डूइंग बीटेक डिग्री फ्रॉम। तो फर्स्ट केस में आपका आता है आप किस कॉलेज से अपनी बीटेक की डिग्री को कर रहे हैं। ओके, ये आपकी फर्स्ट मैंडेटरी थिंग होती है अपनी बीटेक डिग्री चूज़ करने से पहले। अगर आपका टायर वन कॉलेज है देन वेल एंड गुड, अगर आपका टायर टू कॉलेज है देन ऑल्सो वेल एंड गुड। सेकेंड जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारी होती है एलुमनाई स्टेटस ऑफ द कॉलेज, कि आपके कॉलेज का एलुमनाई स्टेटस कैसा है, पहले कोई स्टार्टअप्स हुए हैं या नहीं, एलुमनाई पूरा आपका जो नेटवर्क है वो वर्थ इट है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो हाउ ओल्ड योर कॉलेज इज़। तो कुछ लोग पूछेंगे भैया हाउ ओल्ड से क्या मतलब, हमारा कॉलेज ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारा कॉलेज नया है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा कॉलेज कब बना है, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका साफ साफ मतलब है जितना पुराना आपका कॉलेज रहेगा उतनी पुरानी उसकी लेगेसी रहेगी, लेगेसी रहेगी उतने सारे एलुमनाई आपके वहाँ के रहेंगे, तो आपके प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नए कॉलेज होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, वो 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। बट अगर आप किसी से भी वो अपने कॉलेज के बारे में उसका नाम भी बताएंगे तो वो उन्हें नहीं पता होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज। तो प्लेसमेंट सेल बहुत सारे कॉलेजेस में होता ही नहीं है, और बहुत सारे प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो 100% प्लेसमेंट शो करते हैं कि हमारे कॉलेज से 100% प्लेसमेंट लग रहा है, बट वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही फेक होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं हो रहा है कि 100% प्लेसमेंट अब भी लग रहे हैं। तो आई थिंक केस वन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। केस वन में आपको ध्यान देना है कि आपका कॉलेज कौन सा है, आप किस कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, आपका कॉलेज टायर वन है, टायर टू बीटेक कॉलेज है, एलुमनाई स्टेटस आपके कॉलेज का कैसा है, आपका कॉलेज पुराना है या फिर नया है, और आपके कॉलेज का प्लेसमेंट सेल एक्टिव है या नहीं। आप पहले ये दोनों केस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, देन आप खुद एक आउटकम पे पहुंच जाएंगे कि हमें ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं, वर्थ इट है या नहीं। ओके, अब चलते हैं अपने केस टू की तरफ। हमने कॉलेज के बारे में देख लिया, हमने वहाँ के प्लेसमेंट सेल के बारे में देख लिया, हमने वहाँ के एलुमनाई स्टेटस के बारे में देख लिया। अब केस टू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो केस टू में हमारा आता है द ब्रांच इन विच यू आर डूइंग योर बीटेक। तो यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं कि आप किस ब्रांच में अपनी बीटेक डिग्री को कर रहे हैं। क्या वो आपका कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, आईटी का ब्रांच है, स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस में एआई या डेटा साइंस का, या फिर स्पेशलाइजेशन में आपका साइबर सिक्योरिटी है। अगर आप टायर वन कॉलेज से, टायर टू कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन अगर साइबर सिक्योरिटी में एआई डेटा साइंस में कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बट एक ही चीज़ है कि आप अपने स्किल्स पे अच्छे से वर्क करिएगा। ओके, तो आई थिंक ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एट लास्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, द मीडियन पैकेज ऑफ योर कॉलेज। तो लोग क्या ज़्यादा देखते हैं, पैकेज देखते हैं, पैकेज में भी वो हाईएस्ट देख लेते हैं, हाईएस्ट पैकेज देख के चले जाते हैं, 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देख के चले जाते हैं। तो बट ऐसा आपको नहीं करना है,
आपको अपने मीडियन पैकेज पे ध्यान देना है, आपको मीडियन वहाँ पे देखना है, आपको एवरेज पैकेज भी नहीं देखना, आपको लोएस्ट पैकेज भी, हाईएस्ट पैकेज कुछ भी आपको नहीं देखना, आपको उस कॉलेज का मीडियन पैकेज देखना है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। मैंने बता दिया पहले आपको कॉलेजेस में क्या क्या चीज़ें देखनी है, दो केस मैंने आपको बताए हैं, दोनों केस पे आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि हमें कौन से कॉलेज चूज़ करने चाहिए, क्या हम अपने बीएस डिग्री के कॉलेज को चूज़ करें या हम अपने बीटेक के टायर वन टायर टू कॉलेज को चूज़ करें। ओके, तो आई थिंक ये दोनों केसेस आपको क्लियर हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपनी बीटेक डिग्री के ऊपर। तो बीटेक डिग्री के ऊपर मैं एक थोड़ी सी समरी देता हूँ, आई थिंक आप सभी को ये सब पता ही होगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरेशन इसकी 4 ईयर्स की होती है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस कॉलेज बाई कॉलेज वेरी करती है, बट यहाँ पे मैंने कुछ एवरेज फीस ली है। 5 to 8 lakhs आपकी फीस पड़ जाती है ऑन एन एवरेज, या आपकी ज़्यादा भी हो सकती है कॉलेज के हिसाब से, या आपकी कम भी हो सकती है कॉलेज के हिसाब से, बट यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज एक फीस ली है। एंट्री की अगर हम बीटेक डिग्री की बात करते हैं तो एंट्री हमारी जेई एडवांस के थ्रू होती है, जेई मेंस के थ्रू भी होती है, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी होती है, और बिना इन सारे एग्जाम्स के भी आपकी एंट्री होती है। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको क्लास 12th पास चाहिए होती है। ओके, क्रेडिट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट्स आपको 142 प्लस क्रेडिट्स हर जगह देखने को मिलते हैं बीटेक के कॉलेजेस में, और स्कॉलरशिप्स कॉलेजेस में अवेलेबल ज़्यादातर होती ही होती हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, मुझे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमने IIT मद्रास BS डिग्री की तरफ देखते हैं, फिर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करके एक लास्ट कंक्लूजन पे आऊँगा कि आपको BS डिग्री करनी चाहिए या फिर अपनी BTech की जो डिग्री है उसको ऊपर रखना चाहिए इस BS डिग्री से, क्योंकि हमारा यही टॉपिक था कि इस IIT मद्रास BS डिग्री ओवर BTech डिग्री। ओके, तो BTech डिग्री के ऊपर क्या हम अपनी IIT मद्रास की इस BS डिग्री को रख सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे अपनी IIT मद्रास की डिग्री का एक ओवरव्यू जल्दी से हम ले लेते हैं। अपनी यहाँ पे BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस की डिग्री प्रोवाइड होती है, जिसकी ड्यूरेशन आपकी 4 ईयर्स है, आप बीच में कभी भी लेफ्ट कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट, जहाँ भी आप उस डिग्री को छोड़ रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस आपकी 3.15 lakhs से 3.51 lakhs तक वेरी करती है, आपकी पूरी 4 साल की फीस है। ओके, एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो एंट्री यहाँ पे भी आपको रेगुलर और जेई बेस्ड एंट्री देखने को मिलती है। रेगुलर एंट्री में आपको क्वालिफायर्स एग्ज़ाम देना होता है, क्वालिफायर्स एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, देन आपकी एंट्री होती है। और जेई बेस्ड एंट्री में अगर आप जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हैं देन आप यहाँ पे जेई बेस्ड एंट्री ले सकते हैं, आपका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे क्लास 12th रिक्वायर्ड है। क्रेडिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रेडिट्स आपके 142 क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको फैमिली इनकम के बेस पे। फैमिली इनकम के बेस पे अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अगर आपकी फैमिली इनकम 5 lakh से कम है देन आपको 50% की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी, और वहीं अगर आपकी फैमिली इनकम 1 lakh से कम है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आई थिंक IIT मद्रास का भी मैंने एक अच्छा सा कंक्लूजन दे दिया है। अब चलते हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया कि केस 1 केस 2 बीटेक डिग्री के बारे में, अब हम चलते हैं अगर आप जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे IIT मद्रास से, अगर आप BS डिग्री को करते हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि बीटेक डिग्री के तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे। आपको ऑफलाइन होता है, आपकी प्लेसमेंट होती है, आप स्किल्स सीख सकते हैं, कैंपस लाइफ मिलती है, हॉस्टल लाइफ मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप सभी को क्लियर होंगी ही होंगी। बट बहुत लोगों को ये नहीं क्लियर होता है कि IIT मद्रास से अगर हम BS डिग्री को कर रहे हैं और इसे हम अपना ऊपर रख रहे हैं, अपनी मेन डिग्री रख रहे हैं, तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो इस स्लाइड में हम वही चीज़ें क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्टली आपको एलुमनाइज स्टेटस मिलेगा। जैसे ही आप अपनी 4 ईयर्स की इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं आप IIT मद्रास के ऑफिशियल एलुमनाइज नेटवर्क में ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी IIT के एलुमनाइज स्टेटस में ज्वाइन होना। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलेगा, आपको एक पर्सनल ईमेल मिलेगा, जो कि IIT मद्रास की तरफ से ही आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। IIT मद्रास की तरफ से आपको एक पर्सनल ईमेल मिलेगा जिसपे आपके सारे नोटिफिकेशन, सारे आपके जो भी अर्जेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल ईमेल पे आएंगी, और आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड भी मिलने वाला है IIT मद्रास का। फेस्ट आपके यहाँ पे 3 times होते हैं, आपका 2 online fest होता है और 1 आपका offline fest होता है। आप ऑफलाइन फेस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, आपको हॉस्टल्स अलॉट होंगे, आपको मेस की फैसिलिटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, हर चीज़ वहाँ पे मिलने वाली है। ओके,
स्टडी रूम की अगर हम बात कर लेते तो हमें IIT मद्रास में स्टडी रूम भी मिलता है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम IIT मद्रास में जाएं, मतलब अगर इस डिग्री को ले लेंगे तो हम वहाँ की कैंपस लाइफ नहीं देख पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहाँ पर स्टडी रूम प्रोवाइड होता है, तो आप स्टडी रूम में जाइए, आराम से पढ़ाई करिए, कैंपस में थोड़ा मोड़ा घूमिए, फिर अपने PG या फिर अपने हॉस्टल लौट जाइए। हॉस्टल ऐसा नहीं है कि आपको IIT मद्रास के अंदर मिलेगा, हॉस्टल आप बाहर ही जहाँ भी आप रह रहे हैं PG में आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कैन विजिट द कैंपस एनी टाइम। अगर आपके पास IID कार्ड है, एडमिशन लेटर है, तो आप कभी भी कैंपस जाइए, वहाँ पे घूमिए, एक्सप्लोर करिए, सारी चीज़ें देखिए और फिर वहाँ से वापस आ जाइए, तो आप कभी भी कैंपस जा सकते हैं अगर आपके पास IID कार्ड है। देन सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सिक्स पॉइंट हमारा BS डिग्री सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम IIT मद्रास इन हार्ड कॉपी। तो IIT मद्रास का आपको BS डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे कि आप अपनी 4 ईयर्स की उस डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सॉफ्ट कॉपी IITM प्रोवाइड कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे सेम जैसे BTech स्टूडेंट्स को मिलती है, अगर आप BTech ऑफलाइन कॉलेज से करेंगे वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी डिग्री मिलेगी IIT मद्रास की, जैसे IIT मद्रास की BS JEE एडवांस वाले स्टूडेंट्स को मिलती है वैसे ही आपकी भी सेम डिग्री होने वाली है, कहीं भी ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड कुछ भी मेंशन नहीं रहने वाला है। सेवन्थ वाले और अपने लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का अच्छा सपोर्ट आपको IIT मद्रास की तरफ से देखने को मिलता है। प्लेसमेंट पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जाके देख लीजिए, आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि प्लेसमेंट कैसी लग रही हैं इस डिग्री से। लिंक इन सारे प्लेसमेंट की डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप एक बार जाके उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं सीधा अपने आउटकम पे, हमारा कॉन्क्लूजन क्या निकलता है इन सारी बातों का। ओके, तो कुछ लोग पूछेंगे भैया इन सारी जो आपने बातें बताई हैं इन सबका कॉन्क्लूजन हमें एक ही लाइन में बता दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सम अप कर दूंगा इन सारे पॉइंट्स को, आपको क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि हमें कौन सी डिग्री को करना चाहिए और कौन सी डिग्री हमें ऊपर रखनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर डूइंग BTech फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस देन श्योरली कंसिडर इट ओवर BS डिग्री। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट क्यों लेके आया हूँ, अगर आप Tier 1 कॉलेजेस से, जैसे आपका IIT हो गए, कुछ आपके टॉप की NITs हो गई, आप इन सब अगर कॉलेज से अपनी BTech डिग्री कर रहे हैं, भले ही वो लोअर ब्रांच में हो, मैं ध्यान से आपको फिर से बता रहा हूँ, भले ही वो लोअर ब्रांच में हो, जैसे कि अगर आपने IIT बॉम्बे से मेटलर्जी ही लिया है, तब भी आप अपनी उस डिग्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए एज़ कम्पेयर टू IIT मद्रास की इस BS डिग्री से। ओके, ये पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैटर कर सकता है। ओके, ये ओपिनियन शायद सबके लिए सेम ना हो, मेरा ओपिनियन कुछ अलग है, आप लोगों का ओपिनियन कुछ अलग होगा। अगर कमेंट, मतलब अगर आपका ओपिनियन थोड़ा भी अलग रहता तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे आराम से बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ओके, तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि अगर आपको Tier 1 कॉलेज मिल रहा है, IIT बॉम्बे मिल रहा है, वहाँ का मेटलर्जी भी मिल रहा है, देन आप BS डिग्री को छोड़िए, आप सीधा जाके अपनी Tier 1 कॉलेज की IIT बॉम्बे की उस मेटलर्जी डिग्री को करिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट यहाँ है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ यू आर डूइंग BTech फ्रॉम सम टॉप Tier 2 कॉलेजेस देन ऑल्सो कंसिडर योर BTech डिग्री फर्स्ट। तो पहले हमने Tier 1 की बात की, अब हम Tier 2 की बात करते हैं। तो अगर आप Tier 2 कॉलेजेस से, जिसमें कि आपकी टॉप की NITs आती हैं, अगर आप वहाँ से टॉप ब्रांच में इस डिग्री को मतलब टॉप ब्रांच आपकी जैसे कि CSE हो गई, आपकी IIT हो गई, ECE हो गई, अगर आप इन ब्रांचेस में कर रहे हैं टॉप NIT से, देन आप अपनी उसी Tier 2 की डिग्री को ऊपर कंसिडर करिए। ओके, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है जो आपका फर्स्ट पॉइंट में था, देन आप अपनी BTech डिग्री को ही ऊपर रखिए। आई थिंक ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। अगर आपका Tier 1 कॉलेज है, Tier 1 में आपको लोअर ब्रांच भी मिली है, देन आप अपनी BTech डिग्री को ही ऊपर रखिए। अगर आपका Tier 2 कॉलेज है, टॉप Tier 2 कॉलेज है, यहाँ पे टॉप मैं लिखना यहाँ पे लिखा हुआ है, यस, तो यहाँ पे अगर आपका टॉप Tier 2 कॉलेज है, तब भी आप अपने टॉप Tier 2 कॉलेज को ही ऊपर रखिए, वहाँ की BTech डिग्री को ही फर्स्ट पे रखिए। अब हम थर्ड पॉइंट पे अपने चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा थोड़ा सा अलग होने वाला है। इफ़ यू आर डूइंग BTech फ्रॉम मिड टू लो Tier 2 कॉलेज, तो अगर आप मिड टू लो Tier 2 कॉलेज से कर रहे हैं, जैसे NIT उत्तराखंड आपका हो गया, NIT श्रीनगर आपका हो गया, मिड टू लो Tier 2 कॉलेजेस में आते हैं ये सारे कॉलेजेस, तो अगर आप ऐसे कॉलेज से अपनी BTech डिग्री को कर रहे हैं,
और अगर आपके पास CSE और IT की ब्रांच है देन यहाँ पे आपका 50-50% का चांस हो जाता है। अब आपके यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर आ जाती हैं बातें। तो अगर आपको CSE और IT में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि मेरा कॉलेज अच्छा है, मेरा कॉलेज मेरा प्लेसमेंट लगा सकता है, देन आप श्योरली जा सकते हैं अपने कॉलेज की तरफ। या फिर अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप इस डिग्री को छोड़ना चाह रहे हैं या फिर आप इस डुअल पाथ को अपनाना चाह रहे हैं, तो आप डुअल पाथ भी ले सकते हैं। आप BS डिग्री भी साथ में कर लीजिए, आप अपने टायर 2 जिस NIT से आपने लिया है आप उससे भी अपनी इस डिग्री को कर सकते हैं। ओके, तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड वाले पॉइंट में आप यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें यूज़ करने का मतलब आप यहाँ पे डुअल डिग्री के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपका कॉलेज टायर 2 है, मिड टू लो की रेंज में आता है, और आपको यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपको ब्रांच अच्छी मिली है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना है, आप BS डिग्री के साथ में करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके ऊपर पूरा आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 50-50 के चांसेस आ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मैं CS डिग्री कर लूँगा, CSE की डिग्री करूँगा, वहाँ से ऑफलाइन ही पूरा कॉलेज पूरा कंप्लीट करूँगा, तो आप ज़रूर से अपने कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप उस कॉलेज पे गए हैं। बट अगर आपको नहीं लगता है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे प्लेसमेंट सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं है, सीनियर्स अगर आपने बात की है, प्लेसमेंट का आपको पता चला है कि प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही है, देन श्योरली प्रेफर BS डिग्री। ओके, और अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर टायर 3 कॉलेजेस इट्स अप टू यू दैट यू कैन डू डुअल डिग्री और IIT मद्रास। तो मैं टायर 3 कॉलेजेस के लिए साफ तौर बताऊंगा, टायर 3 अगर आपको कॉलेज मिल रहे हैं, जैसे कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, जैसे अमिति हो गई और भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके हैं, तो अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं देन डोंट गो फॉर डैट, क्योंकि आपका वहाँ पे पैसा बर्बाद होगा, आपका वहाँ पे टाइम बर्बाद होगा। आप श्योरली इस BS डिग्री की तरफ जाइए, और BS डिग्री तरफ भी इस तरह जाइए कि आप इस डिग्री को पूरा 4 साल का कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे फाउंडेशन से, जैसे डिप्लोमा में जाएंगे थोड़ी सी टफनेस बढ़ेगी, डिप्लोमा से जैसे ही आप दूसरे डिप्लोमा पे जाएंगे तो आपकी टफनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। BSc की डिग्री और BS डिग्री तक आपकी टफनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप एक बार निकलिएगा तो अपनी पूरी BS डिग्री को एक साथ ही कंप्लीट करके ही छोड़िएगा, बीच में आप डिप्लोमा लेवल पे या फिर BSc डिग्री लेवल पे मत छोड़िएगा। ओके, तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। टायर 3 कॉलेज अगर आपको मिल रहा है देन उस कॉलेज को मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, आप उस कॉलेज को छोड़ दीजिए, आप अपनी BS डिग्री की तरफ आ जाइए। अब कोई स्टूडेंट्स कहेंगे भैया मेरे पास बहुत टाइम है, टायर 3 कॉलेज में कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं डुअल डिग्री कर लूँ। तो यस, आप डुअल डिग्री भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आप डुअल डिग्री भी कर सकते हैं, आप अपने टायर 3 के कॉलेज और अपनी BS डिग्री को दोनों को साथ में कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका टायर 1 कॉलेज है देन आप अपने कॉलेज की तरफ जाइए, टायर 2 कॉलेज टॉप का टायर 2 कॉलेज है देन अपने आप टायर 2 कॉलेज की तरफ ही जाइए। अगर आपका लो से मिड रेंज का टायर 2 कॉलेज है देन 50-50 का चांस है, आप अपने इंटरेस्ट को खोजिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करिए। और अगर आपका टायर 3 कॉलेज है देन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, आप अपने टायर 3 कॉलेज को छोड़ दीजिए और आ जाइए आप सीधे IITM की BS डिग्री में, क्योंकि एट लास्ट जो आपका मैटर करता है, एक मिनट, यहाँ पे आगे भी चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। फिफ्थ पॉइंट के अपने ऊपर हम चलते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है, इफ समवन आस्क्स दैट BS इज इन्फीरियर टू BTech, आई वुड सिंपली से नो यस। तो मैं यहाँ पे नो ही हमेशा कहूँगा। कुछ लोग पूछेंगे BS डिग्री इन्फीरियर है क्या भैया BTech डिग्री से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको IIT का एक टैग मिल रहा है, तो आपकी BS डिग्री बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं हो रही है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट में वही चीज़ें, फॉरेन में आपका BS डिग्री ही चलता है, BS MS चलता है, वहाँ पे MTech BTech का कोई भी सिनेरियो नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ये BS डिग्री इन्फीरियर है BTech डिग्री से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक IIT का टैग मिल रहा है, IIT का एलुमनाई स्टेटस मिल रहा है, IIT का पूरा कैंपस आपको मिल रहा है, हर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, वो भी कम फीस में। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है BS डिग्री आपकी इन्फीरियर है, मेरे हिसाब से तो ये सुपीरियर ही हो रही है, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगी हमेशा BTech डिग्री से। बट यहाँ पे कंडीशंस भी अप्लाई है, टायर 3 की BTech डिग्री से ऊपर रहेगी, लो टायर 2 कॉलेज की BTech डिग्री से ऊपर रहेगी। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ जो मुझे बतानी थी मैंने आपको आई थिंक बताई दी है, जो आपकी डुअल डिग्री, अगर आपको डुअल डिग्री करनी है तो आप डुअल डिग्री की तरफ जा सकते हैं। ओके,
तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आउटकम से शायद आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि आपको इस डिग्री को क्यों ऊपर रखना है, अपनी बीटेक डिग्री को या फिर अपनी बीएस डिग्री को क्यों ऊपर रखना है। और आपका ये लास्ट में डिसीज़न होगा कि मुझे कौन सी डिग्री ऊपर रखनी है और कौन सी डिग्री करनी है या फिर नहीं करनी है। एक और लास्ट स्लाइड है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ प्लेसमेंट स्टैट्स का डेटा लाया हूँ, तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए। 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटेस्ट बैच एट IIT बॉम्बे फेल टू गेट प्लेसमेंट। तो हाँ, अब याद आया मुझे वो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ब्रांच मैटर करती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए कॉलेज मैटर करता है। तो आई थिंक आप, मतलब मुझे तो नहीं पता कि आप उनमें से कौन से स्टूडेंट हैं, आपके लिए कॉलेज मैटर करता है या फिर आपके लिए ब्रांच मैटर करती है। अगर आप IIT बॉम्बे में हैं तो आपको IIT बॉम्बे की मेटलर्जी ब्रांच ही मैटर कर रही है। जैसे आपको IIT बॉम्बे में मेटलर्जी ब्रांच मिल रही है तो आप IIT बॉम्बे की मेटलर्जी ब्रांच को लेंगे या फिर NIT तिरुची की CSE ब्रांच को लेंगे या फिर NIT श्रीनगर की उस CSE ब्रांच को लेंगे। तो क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, मैं अपना ओपिनियन साफ साफ बता रहा हूँ। मेरे लिए सिंपली कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको एक रीज़न दे देता हूँ। कॉलेज क्यों ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कॉलेज की जो आपकी डिग्री होती है वो आपकी लाइफ टाइम आपके पास रहती है। आपसे कोई आके ये नहीं जल्दी पूछेगा कि आपकी ब्रांच कौन थी। जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो, कहीं भी आप रिक्रूटर के यहाँ जाते हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, MNCs में जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, तो फर्स्ट थिंग आती है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो। आपसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं कोई पूछता है कि आप किस ब्रांच से पढ़े हो। तो यही एक मेन रीज़न है कि आपसे हमेशा आपकी कॉलेज डिग्री आपके पास रहेगी, कॉलेज का एटमॉस्फेयर आपके पास रहेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, ओपिनियन ये अलग अलग हो सकते हैं सबके, मेरे ओपिनियन से आपकी जो IIT कह रहा हूँ, आपकी जो कॉलेज की डिग्री होती है, कॉलेज आपका हमेशा ऊपर रहता है आपकी ब्रांच से। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ब्रांच ऊपर रहता है, कॉलेज हम कोई भी ले लेंगे, बट अगर ब्रांच हमारा अच्छा है तो हमारी प्लेसमेंट अच्छी होगी। प्लेसमेंट तो आपकी श्योरली अच्छी हो जाएगी, बट आने वाले टाइम में क्या उस प्लेसमेंट के ऊपर ही आप हमेशा के लिए रह जाएंगे? अगर आपको कहीं भी जॉब स्विच करनी है या फिर अगर आपसे कोई भी कहीं भी पूछ देता है कि आप किस, मतलब आप किस, कहाँ से, किस कॉलेज से डिग्री लिए हैं, तो वही चीज़ें आती हैं फिर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मेरा स्लाइड दिखाने का यही बस मतलब था कि 36% स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके थे उनका IIT बॉम्बे से भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग स्कूल्स कट मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड टू लर्न रिक्रूटर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सैलरी भी अब कट होनी स्टार्ट हो गई है। तो जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज को, जो स्टूडेंट्स टायर टू के ब्रांच को ऊपर रखते हैं, तो वो लोग यहाँ पे स्लाइड को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि टायर टू कॉलेज में भी अगर आप हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरीज धीरे धीरे कट डाउन वो करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देनी है। तो सैलरी आपकी कट डाउन होगी, उन्हीं सैलरी में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबको अलग अलग चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अब सैलरी भी कम होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सैलरीज लो IIT ग्रेड्स विद जॉब। तो यहाँ पे आपका जॉब का जो है बहुत स्लो डाउन आया है आने वाले टाइम में। अब ये धीरे धीरे बूस्टअप होगी, बट अभी थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारी न्यूज़ आपकी 2024 की यहाँ पे देख सकते हैं, मंडे अप्रैल 2024 की आपकी न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की। और प्राइवेट कॉलेज की तो आप बात ही मत करिए, प्राइवेट कॉलेज का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं तो आप श्योरली इस डिग्री की तरफ जाइए, आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सी 50-70% ड्रॉप इन प्लेसमेंट। तो जब IIT में 36% की प्लेसमेंट ड्रॉप हो जा रही है, तो ये तो प्राइवेट कॉलेज है, 50-70 की जगह यहाँ पे 90-100% का भी ड्रॉप लिख देना चाहिए था। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, जैसे कि आपको कॉलेज को अपने ऊपर रखना है तो आप अपने कॉलेज को ऊपर रखिए, बट आपका ओपिनियन है अगर आप ब्रांच को ऊपर रखना चाहते हो तो आप ब्रांच को ही ऊपर रखिए, बट मेरे हिसाब से कॉलेज को ऊपर रखना, प्रायोरिटी देना ज़्यादा सही है। और मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, जैसे कि आपको अपनी इस BS डिग्री को ऊपर रखना है या फिर अपनी BTEC डिग्री को ऊपर रखना है। अगर आपको टायर 3 कॉलेज मिल रहा है तो आपको क्या करना है, टायर 2 कॉलेज मिल रहा है, मिड रेंज का टायर 2 कॉलेज मिल रहा है, टायर 1 कॉलेज मिल रहा है, तो आपको क्या करना है। आई थिंक इतने से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें इस डिग्री के लिए क्या करना है, हमारी BS डिग्री
ऊपर आती है बीटेक डिग्री के, या फिर हमारी बीएस डिग्री अपनी बीटेक ऑफलाइन डिग्री के नीचे आती है। तो ऊपर नीचे का भी मैं एक बार जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, टायर वन के हमेशा ही नीचे आएगी आपकी ये बीएस डिग्री, क्योंकि अभी के टाइम में इसका प्लेसमेंट स्टैट्स बहुत ज़्यादा नहीं पता है, यहाँ की प्लेसमेंट्स अभी उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, और प्लेसमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत अननोन चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत लोगों को ये डिग्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, अपनी आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बहुत लोग ऑनलाइन देखते हैं, हाइब्रिड देखते हैं, कहते हैं हाइब्रिड डिग्री है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आ जाती हैं यहाँ पे मैटर करती हैं। और एक और जो मेन फैक्टर आपका आता है, जेई एडवांस के बच्चों का आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कैसे भी, ओके, क्योंकि उन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया है, आपने क्वालिफायर्स एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो टायर वन की हमेशा नीचे रहेगी, टॉप टायर टू की हमेशा नीचे रहेगी, मिड और लो टायर टू के इक्वली एकदम अपनी बीएस डिग्री है। देन यहाँ पे प्राइवेट टायर थ्री कॉलेज की बात होती है, तो इनके हमेशा ही ऊपर आपकी बीएस डिग्री लाई करती है, ओके। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, अगर आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं, ओके। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट के डेटास कुछ डिस्क्रिप्शन में है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर देखना है प्लेसमेंट कैसा है आईआईटीएम का तो आप एक बार जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।